उत्तर प्रदेश में चुनावों को लेकर सभी सियासी पार्टियां पूरा दमखम दिखाने में जुटी हुई है। इसी बीच आज शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किए वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा कि साल 2022 में अच्छी सरकार होगी। आप भी सुनिए कि आखिर जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा। हम और आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे और अखिलेश जी के साथ जो भी कुछ हुआ उन्होंने ट्वीट भी किया है। खैर, हम और आप जिस उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे, बहुत लोग संशय भी लगा रहे थे संगम होगा कि नहीं, लेकिन हमारा तो संगम पहले ही हो चुका है। हमारा निर्णय ठोस है। उत्तर प्रदेश में जो हम विकास करना चाहते हैं, जिस तरह से भाईचारा और चौधरी चरण सिंह का जो समीकरण था, मूल रूप से किसान कमेरा वर्ग को संगठित करना जो उनकी मुख्य लड़ाई थी जीवन भर, उसे आगे बढ़ाने के लिए हमने गठबंधन किया है। और आज एक ही चेहरा है पूरे उत्तर प्रदेश में जिनके पास अनुभव भी है, विजन भी है और कार्य करने की क्षमता है। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं और मुजफ्फरनगर की इस क्रांति भूमि पे, किसानों की धरती पे अखिलेश जी का स्वागत करता हूं। मैं आपको एक व्यवस्था से संबंधित बात बताना चाह रहा हूं। एक सवाल किया गया था कि चुनाव के नियमों का अनुपालन, कल हमारे बुढ़ाना क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं राजपाल बालियान जी, ऑनलाइन उन्होंने आवेदन किया कि निवेदन किया ईसी में कि एक वीडियो वैन वो चलाना चाहते हैं। एक दिन बीत चुका है, अभी तक उन्हें अनुमति नहीं दी गई, जबकि बीजेपी की वैन आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में चलाई जा रही है। हमारे पार्टी के लोग, गठबंधन के लोग ऑब्जर्वर से मिलेंगे और हमें उम्मीद है कि इस तरह की जो शिकायत है उनका निस्तारण निष्पक्ष रूप से चुनाव आयोग के अधिकारी करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कर्मचारियों में बहुत भारी रोष है, नाराजगियां हैं सरकार से और उम्मीद के साथ गठबंधन की तरफ वो देख रहे हैं। ओपीएस की बात अखिलेश जी ने कही है, कई वादे हमने किए। आज स्थिति यह है कि पोस्टल बैलेट की व्यवस्था में अधिकारी उनके वोटर आई कार्ड मंगवा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी कर्मचारी से, पुलिस कर्मियों से, जिनकी वोट पोस्टल बैलेट से पड़नी है, सतर्क रहें, बैलेट पेपर लेकर वोट बना के ही दें। अपने वोटर कार्ड को अधिकारी भी मांगे उसको ऐसे ना दें। आज मुजफ्फरनगर में चुनाव की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सबसे पहले मैं चौधरी चरण सिंह जी को याद करता हूं। चौधरी चरण सिंह जी ने जो रास्ता दिखाया था किसानों को मजबूत करने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, उनकी फसल पैदावार की सही कीमत मिल जाए और किसान और किसान का परिवार आर्थिक रूप से कैसे संपन्न हो, चौधरी चरण सिंह जी, बाबा टिकैत जी, नेताजी और अजीत सिंह जी ने लगातार समय समय पर सरकार को जगाने का काम किया। जो सरकारें गूंगी बहरी हो गई थीं, उनको जगाया, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे खुशी है इस बात की कि आज जयंत चौधरी जी और हम लोग मिलकर के उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ये चुनाव जहां किसान के भविष्य का है, नौजवान के भविष्य का है, व्यापार को आगे बढ़ाने का है, वहीं चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाने का भी है, जो किसानों को संपन्न बनाना चाहते थे, किसानों के लिए सपना देखा था कि वो संपन्न हों। लेकिन जो हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को कहा कि उनकी आय दोगुनी होगी, फसल समय पर खरीदी जाएगी और भुगतान भी समय पर होगा, लेकिन जिस तरीके से जो तीन कानून लाए गए बिना किसानों की राय मशवरे के,
और मैं बधाई देना चाहता हूं किसानों को, उनकी ताकत का एहसास दिलाया। लोकतंत्र में किसानों ने एकजुट होकर के और सब कुछ भूल करके एक साथ खड़े होकर के मजबूर किया सरकार को, और सरकार को अंतोगत्वा वो कानून वापस लेने पड़े। भारतीय जनता पार्टी आज भी नहीं कह सकती है कि वो तीन कानून क्यों लागू किए थे और तीन कानून क्यों वापस ले लिए। ये वोट के खातिर लिए हैं। इसलिए मैं किसान भाइयों को यहां सावधान करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है बिना बताए भी कुछ ऐसे फैसले और कानून ले आएंगे। इसलिए मैं आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, किसान भाइयों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कोई भी ऐसे काले कानून उत्तर प्रदेश में कभी लागू नहीं हो पाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी की नियत है, जो उनकी मंशा है। समाजवादी पार्टी ने बिजली के क्षेत्र में कहा है कि 300 यूनिट मुफ्त होगी, सिंचाई माफ होगी, एमएसपी की खरीद के लिए जो इंतजाम करने पड़ेंगे सरकारी तौर पर किए जाएंगे, वहीं फार्मर्स के लिए कि उनके गन्ने के भुगतान के लिए उन्हें इंतजार न करना पड़े, 15 दिन इंतजार न करना पड़े, फार्मर्स कॉर्पस फंड, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बजट से देकर के किसानों का समय पर भुगतान करने का काम भी गठबंधन मिलकर के करेगा। लैपटॉप पहले भी बांटा था, फिर बांटेंगे। समाजवादी पेंशन पहले भी दी थी, आगे भी देंगे। और वहीं मैं इस मौके पर याद दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि कम से कम अब चुनाव आ गया है, अपना संकल्प पत्र तो पढ़ लें। जो जो वादे किए थे क्या वादे पूरे हुए हैं? उनका हर वादा जुमला निकला, झूठे विज्ञापन दिए, आज भी आंकड़ों की खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी घिर जाती है तो बुनियादी मुद्दों से हट करके काम करती है। मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र में हमेशा गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारा और आपस में मिलकर के नकारात्मक सोच को हमेशा नकारा है, इस चुनाव में भी नकारात्मक सोच को नकारने का काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस बार ऐतिहासिक जीत होने जा रही है, आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे।